कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में बैंड बाजा और शहनाई वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, जिसको देखते हुए भोपाल में भाजपा ने सहयोग स्वरूप इनको खाद्यान्न सामग्री वितरित की है। भोपाल के मानस भवन में सेवा समर्पण और सम्मान कार्यक्रम के तहत भाजपा ने बैंड बाजा और शहनाई वालों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लॉकडाउन के दौरान सभी से अपील की थी कि कोई भी भूखा ना रहे, किसी को भी राशन की परेशानी ना हो। लॉकडाउन में बैंड बाजे वालों को भी राशन की आवश्यकता पड़ी, उनकी खुशियां भी बनी रहे, इसीलिए सहायता स्वरूप राशन वितरण का कार्य किया गया। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में अब तक लगभग 3 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों की सहायता की है। वहीं महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि पूरे भोपाल में सभी के कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो बैंड बाजा वाले हैं उनके कार्य शुरू नहीं हुए हैं, जिसको देखते हुए यह सहायता की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कोरोना के महामारी के संकट में यह तय किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, पूरे भारत के अंदर कोई व्यक्ति भूखा न रहे, किसी को किसी प्रकार की समस्या न बने। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का गरीब पैकेज जारी किया था, और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारी टीम ने मिलकर के फीड द नीडी अभियान में हर किसी समाज वर्ग के लोगों को जो जरूरत है उनके लिए भोजन सामग्री से लेकर भोजन उपलब्ध कराने का काम भी बड़ी मात्रा में, मैं ये कहूँगा कि लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार की सहायता देने का काम किया, जो एक ऐतिहासिक था। आज हमारे पूर्व महापौर आलोक जी और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी ने जो आज यहाँ पर अभियान लिया है कि हमारे बैंड बजाने वाले जो लोग हैं, हमारे ढोल बजाने वाले लोग हैं, इस प्रकार के समाज में दूसरों को खुशियाँ देने वाले लोग हैं, उनकी खुशियाँ भी बनी रहें, इसके लिए आज उन सब लोगों को भी आवश्यकता है, उनको आज यहाँ पर राहत सामग्री देने का जो काम किया उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देता हूँ। देखिए, आज 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, पूरी दुनिया, हमारा पूरा देश, हमारा मध्य प्रदेश और हमारा भोपाल इस बड़ी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। लॉकडाउन का सब भोपालवासी पालन कर रहे हैं, भोपाल के बाजार भी खुल गए, परंतु हमारे भोपाल के जो बैंड वाले भाई, जो सेनाई वाले भाई, जो ढोल वाले भाई, जो बग्गी और घोड़ी लेकर समाज में जब खुशी होती है, हमारे बेटा बेटी की शादी होती है, वे खुशी प्रदान करते हैं, आज कहीं ना कहीं इनके सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और आज वे उनके सबको लॉकडाउन, सब बाजार खुल गए, परंतु इनका कारोबार नहीं खुला है। 2 दिन पूर्व सभी हमारे बैंड, सेनाई, ढोल वाले, बग्गी वाले, घोड़े वाले भाई सब एसोसिएशन के साथ हमारे पास आए थे और उन्होंने अपनी परेशानी बताई थी। हमने कहा आप सब जरूरतमंद हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। आज हमने मानस भवन के इस सभागृह में उनको हमने आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर का वितरण करके उनकी सेवा करने का कार्य किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।